तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का यस की एम मिश्री परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए हम पढ़ने के वाले हैं, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया होगी। और ये सेंट्रल आइडिया आपके हर एक साल पूछिए, जैसा कि आपको मालूम है कि तीन सेंट्रल आइडिया आपको दी जाती हैं, तो तीन सेंट्रल आइडिया में आपको एक सेंट्रल आइडिया जरूर लिखना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके लिए होगी। अभी सेंट्रल आइडिया में देखिए क्या चीज़ें कहा गई है, यानी कि माई मदर एट 66 आपका पहला चैप्टर होगा। अब देखिए, मेरी माता जब 60 साल की हुई तब क्या उनके हुआ, कि इन्होंने किसने लिखा था इसको, लिखा था कमला दास ने लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पोएट्स भी हैं और इनके द्वारा जो है कविता लिखी गई है, जो पोएट लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और एस के एम स्टडी ऐप पर। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हम बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। माई मदर एट 66, आई होप आपको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाएँ। तो सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ शुरू में जुड़ेंगे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस पोएम में कहा क्या गया है, अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह द पोयम हैज़ बीन रिटन इन द लिरिकल ईडियम एंड ब्रिंग्स आउट अ कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि यह कविता जो है एक लिरिकल ईडियम्स एंड ब्रिंग्स, क्या कह रहा है, गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई, यानी कह रहा है कि द पोयम हैज़ बीन रिटन, यह कविता रिटन मीन्स लिखी गई है, रिलिकल यानी कि लिरिकल ईडियम्स एंड ब्रिंग्स आउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि मानवीय संबंधों और कम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता, और ब्रिंग्स आउट द क्या है, माने क्या कह रहा है, गीतात्मक मुहावरे के रूप में। अभी देखिए पूरा इसका बनाएंगे, क्या कह रहा है कि यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है, यह मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, मानवीय संबंधों के जटिलता को दर्शाती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला देखिए आगे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पैराग्राफ होगा आपके लिए। आप देखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, कह रहा है कि जो कविता का जो केंद्रीय भाव है, यानी जो सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो कविता का केंद्रीय भाव है ऑफ द पोयम, यानी कविता का जो केंद्रीय भाव है, इज एजिंग विच द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी कह रहा है कि यह आयु वृद्धि से है, किससे है, द एजिंग विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि आयु वृद्धि से है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का शाश्वत नियम, इटर्नल लॉ ऑफ द सेशन, यानी कि प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो क्या है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, यानी कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है, आयु वृद्धि से इसको लिया गया है, कविता का यह केंद्रीय भाव है कि आपकी उम्र हमेशा लगातार बढ़ती रहेगी, एक दिन आप समाप्त तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एजिंग है, यानी कि क्या कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी कविता का केंद्रीय भाव क्या कह रहा है कि इज एजिंग विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि आयु वृद्धि प्रकृति का शाश्वत नियम है। चलिए आगे देखेंगे, द पोएटेस हैज गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, कहने का मतलब कि द पोएटेस हैड गॉन, जब कवित्री गई मीट हर मदर अपने माता से मिलने, जब कवित्री अपने मदर से मिलने गई हुई थी, तो हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, उनका चेहरा क्या था, उनको आभास हुआ, यानी कि उनका चेहरा क्या हुआ था, पीला पड़ा हुआ था, यानी कि हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट कि हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनकी माँ
अत्यंत वृद्ध हो गई थी, यानी कि उनकी माँ क्या हो गई थी, अत्यंत वृद्ध हो गई थी, यानी कि बूढ़ी हो गई थी। ठीक है, कहने का मतलब यही होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेंजा है, और आपको अच्छी तरीके से समझते चलना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसमें कि अब देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर, हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, यानी जब भी अपनी माता से मिलने गई थी, दैट तब कि हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, उनकी माँ का चेहरा क्या होता, पीला पड़ा हुआ था। पेल फेस हर मेड हर रियलाइज, उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी माता का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और वे अत्यंत वृद्ध नजर आ रही थी, या वृद्ध अत्यंत वृद्ध हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट, जो कवित्री थी वो रियली क्या थी, अपसेट हो गई थी। क्या हुई थी, वह कवित्री माँ और बेटी, यानी कि क्या हो गई थी, वह बहुत उदास हो गई थी। अपसेट का मतलब क्या होता है, उदास हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर, यानी कि जो कवित्री थी, आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड डॉटर शेयर, कहने का मतलब जो कवित्री थी, कवित्री माँ और बेटी के करीबी रिश्ते का भी उल्लेख करती हैं। कहती हैं जो आप जो माँ और बेटी का एक करीबी रिश्ता होता है, उसको भी कवित्री क्या करती हैं, उल्लेख करती हैं, उसको भी यहाँ पे डिफाइन करने का कार्य करती हैं, उसको भी यहाँ पर बताने का कार्य करती हैं कवित्री। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि माँ और बेटी का रिश्ता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसमें देखते हैं और आगे आपको बताते हैं। व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोएटेस गेट्स डीपली सडेंड, कहने का मतलब कि कवित्री अपनी माँ जो बूढ़ी हो चुकी हैं से दूर जाते समय अत्यंत दुखी हो जाती हैं। कहने का मतलब जब उनकी माँ उनको छोड़ करके जा रही हैं, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही हैं, तब कवित्री क्या कर रही हैं, उनका जो मन है बहुत ही दुखी हो गया, यानी दुखी हो जाती हैं उनकी जाने की वजह से। तो ये पूरा कविता का सारांश था, जो कविता का सेंट्रल आइडिया था, जो केंद्रीय बिंदु था, आपको हमने बताया। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम्स एंड ब्रिंग्स आउट अ कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड, जो कविता का कविता है वह क्या लिखी गई है, कविता गीतात्मक मुहावरों के रूप में लिखी गई हैं, जो कि मानवीय संबंधों को दर्शाता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग, यानी जो सेंट्रल आइडिया का मुख्य बिंदु है, एजिंग विज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, आयु वृद्धि प्रकृति का शाश्वत नियम है। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर, हुज पेल फेस मेड फॉर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, यानी कि जब वो अपनी माता से मिलने गई तो उन्होंने उनका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा, और उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि अब उनकी माँ क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट, जो पोएटेस थी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप्स विद अ मदर एंड अ डॉटर, जो पोइटेस थी, आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि वहाँ पर पोइटेस ने माँ और बेटी के करीबी रिश्ते को भी बताया, और विश अ मदर एंड अ डॉटर शेयर, अपनी भावनाओं को शेयर किया। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोइटेस गेट्स डीपली सडेंड, यानी कि जब उनकी माँ उसको छोड़कर जा रही थी तो जो कवित्री थी बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ये देखिए सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आपको याद कर लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।